Hey guys, आज का वीडियो होने वाला है कि हम बेरी स्टिच कैसे कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपका कोई भी सजेशन है इस वीडियो को लेकर प्लीज कमेंट करें। अगर आप चाहते हैं मैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो लेकर आऊं, प्लीज गाइस वो टॉपिक कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्रेंड्स, बेरी स्टिच स्टार्ट करने के लिए मैंने निडल में 6 स्ट्रैंड्स थ्रेड लिया है। बेरी स्टिच करने के लिए सबसे पहले हम लेजी डेजी स्टिच करेंगे। यहां से मैं निडल को ऊपर लेकर आऊंगी। इसके बाद फ्रेंड्स सेम होल से हम निडल को नीचे लेकर जाएंगे। इस तरह से निडल को बाहर लाएंगे और एक टाइंग स्टिच लगा देंगे। इस तरह से फ्रेंड्स मैं इसे पूरा कंप्लीट करती हूँ। फ्रेंड्स, मैंने इस तरह से लेजी डेजी स्टिच कर लिया है। अगर आप लेजी डेजी स्टिच सीखना चाहते हैं तो मैंने इस पर एक डेडिकेटेड अलग से वीडियो बनाया हुआ है। मैं आई बटन पे उसका लिंक दे देती हूँ, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स, बेरी स्टिच हम कर रहे थे। बेरी स्टिच को कम्प्लीट करने के लिए मैंने एक कंट्रास्ट थ्रेड 6 स्ट्रैंड्स निडल में ले लिया है। आप सेम कलर के थ्रेड का यूज भी कर सकते हैं, लेकिन मैं डिफरेंट कलर का थ्रेड यूज करके आपको एक डिफरेंट टेक्सचर दिखाना चाहती हूँ। इसे करने के लिए फ्रेंड्स देखिए, ये जो हमने लेजी डेजी स्टिच किया है ना, इसमें हम स्टिच के नीचे से, देखिए स्टिच के नीचे से निडल को निकालेंगे और इसके बाद ये जो टाइंग स्टिच है इसमें राइट टू लेफ्ट स्लाइड करेंगे निडल को और सेम होल में निडल को नीचे ले जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारा बेरी स्टिच हो गया। लेजी डेजी स्टिच जो किया है उसके नीचे से निडल को लाएंगे, राइट टू लेफ्ट स्लाइड करेंगे निडल को और उसके बाद सेम होल में निडल को ले जाएंगे। फ्रेंड्स, इस तरह से हमने बेरी स्टिच कंप्लीट कर लिया है। बेरी स्टिच का यूज आप किसी भी फ्लावर को बनाने में कर सकते हैं इस तरह से, या फिर आप टाइनी लीव्स को बनाने में कर सकते हैं। बेसिकली ये एक बोल्डेड इफेक्ट है लेजी डेजी स्टिच का। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स फैमिली रिलेटिव के साथ शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।